दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कई सारी टिप्स दूंगा जिससे आपका थाईलैंड का वीज़ा बहुत ही आसानी से और बहुत सस्ते में हो जाए। थाईलैंड का तीन तरह का वीज़ा है। पहला है जो ई वीज़ा है, जिसका 600 फाट लगता है यानी 1500 रुपये। सेकेंड ऑप्शन आपके पास जनरल वीज़ा, जिसका करीबन 2600 रुपये लगते हैं। एजेंट के थ्रू कराते हैं तो करीबन 400 से 500 रुपये एक्स्ट्रा लेता है, तो 3000 से 3100 रुपये पड़ता है। और थर्ड ऑप्शन है ऑन अराइवल वीज़ा, जो बिल्कुल फ्री है। वो फ्री था 31 अक्टूबर 2019 तक। उसके बाद ये फ्री है कि नहीं, ये मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। पहले अपने ऑन अराइवल वीज़ा का बात करते हैं। अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का दरकार है? इसमें देखिए होटल कंफर्मेशन का दरकार है, और अब थाईलैंड में जहाँ जहाँ रुक रहे उन सब का होटल कंफर्मेशन आपको देना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, चाहे सपोज आप बैंकॉक गए, बैंकॉक से आप सपोज फुकेट जाते हैं या कूस में जाते हो, कहीं भी जाते हैं, पटाया जाते हैं, तो सबका होटल कंफर्मेशन आपको दरकार है जितने दिन आप वहाँ रुकते हो। और दूसरा चीज़, रिटर्न फ्लाइट का कंफर्मेशन चाहिए। जाने का तो ऑब्वियसली आप टिकट दिखा रहे हो, वहाँ से थाईलैंड से वापस जो आ रहे हो इंडिया, उसका भी आपको कंफर्मेशन चाहिए। उसके बीच में आप कैसे ट्रैवल करते हो, चाहे बस से, ट्रेन से या फ्लाइट पर करते हो, उसका खास बात नहीं कंफर्मेशन का, बट रिटर्न फ्लाइट बैंकॉक टू इंडिया, उसका आपको कंफर्मेशन इज़ अ मस्ट। तो ये दो चीज़ तो बहुत ज़रूरी है, होटल कंफर्मेशन एंड फ्लाइट कंफर्मेशन। थर्ड थिंग, फोटोग्राफ। अब देखिए फोटोग्राफ तो जनरल आप सोचोगे पासपोर्ट का फोटोग्राफ यूज़ हो जाए, नो दैट इज़ नॉट अलाउड। इसका स्पेसिफिक साइज़ है 4 सेंटीमीटर्स बाय 6 सेंटीमीटर्स। कम से कम दो फोटो का तो दरकार है, पर मैं सजेस्ट करूँगा आप 4 फोटो एक साथ करा लो, क्या ना 4 फोटो, 2 फोटो में खास फर्क नहीं होता है रुपये का, तो बाद में भी आपके काम आ जाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको कम से कम 10,000 baht पर पर्सन का करेंसी ले जाना ज़रूरी है। मतलब 10,000 baht ले जाइए या 10,000 baht इक्विवेलेंट ऑफ USD या यूरो। USD बेटर है, बिकॉज USD वहाँ आराम से आपको एक्सचेंज रेट भी बेटर मिलेगा, नॉट इंडियन करेंसी। ये नहीं कि आप 10,000 baht हो गया मतलब करीबन आज के दिन 24,000 रुपये, तो 24,000 रुपये आप ले गए, नहीं, पर पर्सन। तो अगर आपको 3 जन फैमिली के जा रहे हैं तो 30,000 baht आपको कम से कम ले जाना पड़ेगा। आपका हो सकता है पूछे, जरूरी नहीं कि आपका देखे करेंसी, पर पूछ भी सकते हैं आपसे कि भाई दिखाओ तुम कितना करेंसी लाए हो। और ये भी ध्यान रखिएगा, सिंस आप करेंसी ले जा रहे हो तो बिल ही दिखा दीजिए, बिल भी ले जाइए साथ जिसमें आप करेंसी ले रहे हो, वो और भी बढ़िया रहेगा। तो इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है कि अगर सपोज आप लोग 3 जने, तो ऐसा नहीं आपको 3 अकाउंट में अलग अलग 10,000 ले जाना पड़ेगा। आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि भाई आपके वाइफ और चिल्ड्रन आपके डिपेंडेंट है आपके ऊपर, तो आप बस 30,000 एक साथ अपना अकाउंट में ले लिए, वो भी अलाउड है। बस पर पर्सन 10,000 baht इज इम्पॉर्टेंट, ये ध्यान में रखिएगा। देखिए वीजा और अराइवल का फॉर्म आपको वहाँ तो मिलता ही है, पर अगर आपको टाइम सेव करना है तो आप यहीं से डाउनलोड करके ले जाओ वीजा और अराइवल का फॉर्म। अब आप देखिए ये है जैसे वीजा अराइवल का फॉर्म, अब इसमें आप देख रहे हो जैसे सामने तो नेम एड्रेस वगैरह सब फिलअप कर दो, पर वहाँ का जो एड्रेस है, वहाँ एड्रेस जो आपको फिलअप करना है, अब सपोज केवल आप बैंकॉक जा रहे हो, सपोज अब बैंकॉक आप जा रहे हो तो ठीक है, वहाँ का होटल का एड्रेस फिलअप कर दे, हो गया। पर सपोज आप बैंकॉक, पटाया या फुकेट जा रहे हो, तो इसमें आपको बैंकॉक का एड्रेस फिलअप करना है, और दरकार नहीं आपको पटाया फुकेट का भी होटल का एड्रेस फिलअप करने का, कर भी सकते हो बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जो मेन जो फर्स्ट डेस्टिनेशन है उसका होटल का आपको एड्रेस बेसिकली फिलअप करना पड़ता है इसमें। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसमें जो आपका देख रहे हो एक और आप चीज़, जैसे इसमें नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेफरेंस ऑफ द पर्सन यू आर नो देयर, सिंस अपने तो वहाँ किसी को जानते नहीं, तो दरकार नहीं कुछ भी फिलअप करने का, उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। और आपका ऐसा माइनर किड्स है तो उनका नाम आप डिटेल्स आप दे दो। सो दिस इज बेसिकली अ वेरी सिंपल फॉर्म, बहुत आराम से आप कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। एंड वहाँ जाके बस आपको फॉर्म फिलअप करना है और आपके इमिग्रेशन हो जाता है। बट एक चीज़ याद ध्यान रखिएगा, वहाँ लंबा लाइन लगता है, काफ़ी लंबा लाइन लगता है इमिग्रेशन का, स्पेशली अगर 2-3 फ्लाइट एक साथ आ जाए तो और भी लंबा लाइन, मतलब 1 घंटा से मे बी आपको 2-2.5 घंटा तक आपको लग सकता है ये इमिग्रेशन में। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, वहाँ भी एक टैक्टिक्स है जहाँ आपका 200 baht लगता है और एक्सप्रेस लाइन यूज़ कर लेते हो। 200 baht मतलब केवल 500 रुपये, और 200 baht दे के पर पर्सन आप एक्सप्रेस लाइन में गए, और वहाँ हो सकता है आपका केवल आधे घंटे में काम हो जाए, हो सकता है 15 मिनट में काम हो जाए, तो बहुत ही कन्वीनियंट है। तो अगर आपको लंबा लाइन दिखे ना तो आप एक्सप्रेस लाइन ही लो, इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूँगा आप एक्सप्रेस लाइन ही लो, क्योंकि जनरली आपके इमिग्रेशन में 1 घंटा तो कम से कम लगेगा ही। और यह और चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूँगा कि जैसे आप ये फॉर्म में देख रहे हो, ये फॉर्म में जैसे आप देख रहे हो यहाँ फोटो भी चिपकाना पड़ता है 4x6, जैसे मैंने पहले बताया था। तो इस 4x6 फोटो में आपको जब चिपकाओगे ना, तो वहाँ आप देखोगे आप ढूंढते रह जाओगे, आपको गम मिलेगा नहीं। तो ये इसलिए बेटर है कि आप यहाँ से गम भी ले जाइए साथ, और यहाँ मत चिपकाइए फोटो ऑब्वियसली फॉर्म में, वहीं जाके चिपकाइए, पर गम ले जाइए यहाँ से, और वहाँ जाके फोटो आप इसमें चिपका दीजिए। तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है, गम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई टेल यू कितने लोग 15-15-20 मिनट तक ढूंढते रहते गम के लिए,
उनका टाइम फालतू वेस्ट होता है। एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि आप जब फ्लाइट में होगे ना तो आपको इमिग्रेशन कार्ड मिलेगा। अब उसमें फिलअप करना आपको डिटेल्स, बेसिकली नाम, फ्लाइट नंबर वगैरह। और उसमें क्या होता है ना कि कई आपका काउंटर फॉल्स होता है, जिसमें एक में आपको लिखना पड़ता है डिपार्चर फ्लाइट नंबर। डिपार्चर फ्लाइट हो गया मतलब जब आप वापस बैंकॉक से इंडिया होंगे तो वहाँ आपको डिपार्चर का फ्लाइट नंबर फिलअप करना पड़ेगा, वो ध्यान में रखिएगा, मतलब रिटर्न फ्लाइट का नंबर, और वो आपको रखना पड़ेगा। उसको लोग जब आप जाओगे ना तो लोग स्टैम्प करेंगे उसमें, और जब आप वापस आओगे आते वक्त आपको रखना पड़ेगा, उनको दिखाना होगा, तो उसको संभाल के रखिएगा। एक और चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट जो क्लियर करना चाहूँगा, जिसके ऊपर बहुत गलत इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट में, कि जैसे आपका पीना नंबर अगर सेम है, जैसे मैं गया था हाईवे से और वहाँ से मैं फिर फुकेट का मेरा था, वहाँ बेसिक था हाईवे बैंकॉक में 2.5 घंटा रुका, फिर वहाँ से फुकेट के लिए रवाना हो गया। अब वेदर मेरा इमिग्रेशन बैंकॉक में होगा कि फुकेट में होगा, इसके ऊपर कहीं भी ढंग से इन्फॉर्मेशन नहीं है इंटरनेट में। मैं बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिला मुझे ढंग का इन्फॉर्मेशन। कोई कहीं बोल रहा था कि भाई ठीक, अगर आपका पीना नंबर सेम है, मतलब अगर आप था हाईवे से जा रहे हो सेम एयरलाइन से हॉपिंग करते हुए बैंकॉक से फिर फुकेट जा रहे हो, तो आपका इमिग्रेशन फुकेट में होगा, यहाँ होगा नहीं। और अगर आपका डिफरेंट एयरलाइंस है तब तब का बैंकॉक में होगा, फुकेट में नहीं होगा। यहाँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका इमिग्रेशन, अगर आपका पीएन नंबर सेम होता भी है और आपका सेम एयरलाइन भी होता है, आपका इमिग्रेशन बैंकॉक में ही होगा, योर फर्स्ट पोर्ट ऑफ अराइवल में ही इमिग्रेशन होता है। अनटिल अनलेस आप वहाँ से डायरेक्ट फुकेट जा रहे हो विदाउट हॉल्टिंग इन बैंकॉक, तब आपका फुकेट में इमिग्रेशन होगा। वेद अगर आप वाया बैंकॉक जा रहे हो तो बैंकॉक में ही इमिग्रेशन होगा। दैट इज 100% ट्रू, और सब कुछ बकवास है नेट। आई रियली वॉन्टेड टू क्लियर, एंड मैंने मुझे बहुत परेशानी हुई इस बारे में जानने में। इनफैक्ट कितना गलत इन्फॉर्मेशन भी था यूट्यूब में लिखा हुआ था कि नहीं आपका फुकेट में होगा, सेम पीआर नंबर है, ऑल दैट इज रबिश। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि 31 अक्टूबर के बाद क्या वीज़ा फ्री है इंडियंस के लिए? अब इसमें मुझे भी बहुत कंफ्यूजन था, समझ में नहीं आ रहा था कि सही है कि नहीं। इनफैक्ट नेट में भी कहीं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं था, और मैंने इनफैक्ट एक्चुअली एम्बेसी में फ़ोन किया, इमिग्रेशन में फ़ोन किया, किसी ने प्रॉपर आंसर नहीं किया कि भाई 31 अक्टूबर का आपका इमिग्रेशन फ्री होगा कि नहीं। और मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि आप जैसा देख रहे हो ये फॉर्म में यहाँ क्लियरली लिखा है कि 2000 baht लगेगा ऑन अराइवल वीज़ा, अगर आपका फ्री नहीं है तो, मतलब 2000 baht मतलब 5000 rupees। बट ऐसा नहीं था, एंड द वीज़ा ऑन अराइवल इज़ फ्री इवन आफ्टर 31 अक्टूबर, और उसका एक्सटेंशन हो गया टिल अप्रैल 2020। तो आराम से आप ट्रैवल कर सकते हो थाईलैंड ऑन अराइवल वीज़ा ही लो, आराम से हो जाते, टोटली फ्री, कोई चार्ज नहीं है। आई टुक द रिस्क एंड इट वर्कड, एंड आई डोंट वॉन्ट यू कि आप भी उस कन्फ्यूजन में हो, इसलिए जस्ट गो फॉर इट। अब अपने बाकी वीज़ाज के बारे में बात करें, ई वीज़ा। अब ई वीज़ा क्या हुआ, ये बेसिकली ऑनलाइन वीज़ा फिलअप करते हो इंडिया में बैठे, तो आपको वहाँ दरकार नहीं वीज़ा का, यहीं आपको वीज़ा मिल जाता है। सब कुछ आपको ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है, ऑल द डॉक्यूमेंट्स। पर इसमें क्या है ना कि जनरली लोग बोलते हैं कि 72 hours के भीतर आपको वीज़ा मिल जाएगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी। उसके ऊपर बिल्कुल मत जाइएगा भरोसा करके, क्योंकि अगर उसमें कोई भी आपका वीज़ा फिलिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो गया तो आपके पास आएगा मेल कि भाई आपका ये प्रॉब्लम, आप इसको सॉर्ट आउट करो। आपको 72 hours के बाद 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता भी लग सकता है, तो ई वीज़ा के लिए भी समय लेके ई वीज़ा करवाइएगा। 72 hours इज़ नॉट डेफिनेट 72 hours। और थर्ड ऑब्वियसली जो यहाँ जो नॉर्मल वीज़ा है जिसमें कम से कम 2600 rupees लगते हैं। देखिए ये वीज़ा जनरली करवाना मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज बट ऑब्वियसली जब ऑन अराइवल फ्री वीज़ा है तो ये अपने क्यों कराए, क्यों 2600 rupees भी दें। बट अगर आपका बैंकॉक में लैंड करने के बाद अगर आपका फिर रिकॉर्ड फ्लाइट है टू फुकेट उसमें एनी वे जिसमें केवल 1.5 घंटे का गैप हो या उससे लेस, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहीं वीज़ा करवा के जाओ, डोंट गो फॉर ऑन अराइवल वीज़ा, डोंट टेक दैट रिस्क, अदरवाइज ऑन अराइवल वीज़ा ही करवाना चाहिए। सो दैट इज़ इट, सब वीज़ा का बात हो गया, सब डॉक्यूमेंट्स के बात हो गए। एनीथिंग एल्स, आपको कुछ भी जानकारी जानना हो, यू आर फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस ऑन माई कमेंट सेक्शन, आराम से पूछ सकते हो। और आपका वीडियो मेरा पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, इट विल हेल्प मी अ लॉट कि मैं और फ्यूचर वीडियोज बनाऊँ और आप इसी तरह हेल्प करूँगा।